तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या कर रहा है कि देखो, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो कि एक ट्रैक है जिसके अलग अलग टू सर्कुलर पार्ट्स हैं, ए बी सी और सी डी ए। हर एक की रेडियस कितना बोलो? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो जो डेटा हो ये कह रहा है कि रेडियस कितना भाई, तो रेडियस है 100 मीटर, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रायंगल स्मूथली ज्वाइन किया गया जैसा फिगर में दिखाया गया, फिगर नीचे है। तो ईच पार्ट सस्टेंड ए राइट एंगल इट्स सेंटर। द साइकिलिंग वेट, मतलब जो साइकिलिंग की जो वेइंग है, मतलब मास है, वो 100 kg है और रेडियस भी 100 है। टुगेदर राइडर एट कॉन्स्टेंट स्पीड, जो इस राइडर है साइकिल वाला, वो कॉन्स्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो इसको 18 और 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से राइडर मूव कर रहा है। अब अलग अलग पार्ट है। फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाई द रोड ऑन द साइकिल एट ए पॉइंट बी एंड डी। देखो बी एंड डी स्पेशल पॉइंट है, कौन कौन है तो ये हम लोग देखते हैं। बी पॉइंट ये वाला है और डी पॉइंट यहाँ है, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है तो हम इसका सॉल्व कर रहे हैं पार्ट ए। तो पार्ट ए में अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पार्ट ए पे जो साइक्लिस्ट है उस पे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा और एम जी नीचे लगेगी। बात समझ में आए? ये एंगल कितना है 90। तो पार्ट ए पे एट पॉइंट बी अगर देखोगे, एट पॉइंट बी बी पे, अब भाई सर्कल में चल रहा है, ये आर्क है, तो मोशन अगर आर्क में हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? सिंपल है, नेट फोर्स टुआर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल, तो नेट फोर्स टुआर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुआर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल होगा, एफ सी। और उसकी वैल्यू क्या होगी बोलो? एम बी स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें से एम जी माइनस नॉर्मल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से नॉर्मल एट द पॉइंट बी जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो। मास कितना है? 100 kg है। जी की वैल्यू 10 है, मास 100 है और स्पीड 5 का स्क्वायर, ठीक है। और रेडियस कितनी है? 100 है। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा देखो। यहाँ पे सॉल्व करोगे इसको तो नॉर्मल एट द पॉइंट बी जो मुझे दिखेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से नॉर्मल एट पॉइंट बी, तो 1000 ये और माइनस 100 ने 100 को ख़त्म कर दिया तो 25। तो नॉर्मल एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू 975 न्यूटन आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवार्ड होगा इस डायरेक्शन में जो आपको दिखाया गया है। चलो तो इसी का बी पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करें तो बी पार्ट में क्या है? अब देखो अच्छे से इसको देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो अगर पार्ट बी इसका सॉल्व करें हम लोग, पार्ट बी, तो इसका अगर मैं पार्ट बी सॉल्व करूं तो सबसे पहले देखो पार्ट बी में अगर देखोगे तो जो हम लोगों का जो नॉर्मल आएगा, ये अच्छे से इसको देखोगे तो नॉर्मल तो यार इस लाइन में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। तो नॉर्मल जब गाड़ी यहाँ पर रहेगी, इस पॉइंट पे जब गाड़ी रहेगी, साइकिल रहेगा, तो नॉर्मल तो ऊपर आएगा और यहाँ पे एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो सेंट्रीपिटल कौन देगा? नॉर्मल माइनस एम जी सेंट्रीपिटल देगा। यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी वी इधर आएगी। तो नॉर्मल में से नॉर्मल नॉर्मल एट द पॉइंट डी माइनस एम जी प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो नॉर्मल एट द पॉइंट डी आ जाएगा, वो आ जाएगा एम बी स्क्वायर ओवर आर और प्लस एम जी, ठीक है। तो एम बी स्क्वायर ओवर आर इसकी वैल्यू 25 है सेंटीमीटर की, और प्लस मास 1000 है, तो 1025 न्यूटन क्या आ जाएगा? नॉर्मल एट द पॉइंट डी आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन हम लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब इसका पार्ट बी देखते हैं। बी पार्ट लंबा सवाल है तो पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे, तो पेशेंस सबसे बड़ी क्वालिटी है डॉक्टर और इंजीनियरों की। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल एट पॉइंट
बी सी डी, देखो बी सी डी तीनों स्पेशल पॉइंट है, कहाँ कहाँ है बोलो? तो बी ए है टॉप वाला, सी ए है ठीक है ना, जहाँ दोनों ज्वाइंट हुए हैं, और डी ए है। तो बी पार्ट में इन तीनों पॉइंट पे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है। तो चलो ये है इस सॉल्यूशन का पार्ट बी, द स्टोरी पार्ट टू ऑफ द मूवी। तो यहाँ कहता है इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल देख रहे हो, नॉर्मल ऊपर आ रहा है, और एम जी किधर जा रही है भाई, एम जी वर्टिकली डाउन आ रही है। तो ये यहाँ से जो फोर्स है, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो कोई स्लिपिंग ही नहीं हो रही है, एक्स एक्सिस में नो स्लिपिंग ठीक है ना, फोर्स स्लिपिंग ही नहीं हो रहा। तो जब स्लिपिंग नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन एट द पॉइंट बी जो है वो जीरो आएगा। ये पॉइंट ए था, ए पॉइंट बी था, ए पॉइंट सी था, ए पॉइंट डी था, ए पॉइंट ई था। तो बी पॉइंट पे कोई भी एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं आया, इस लाइन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। समझने की कोशिश करना कि इस लाइन में, इस वाला ये जो लाइन है, इस वाली लाइन में कोई फोर्स ही नहीं आ रहा है। तो जब इस वाली लाइन में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ से इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में जो है कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वाली लाइन में जो फोर्स है फ्रिक्शन आता, तो हॉरिजेंटल में कोई फोर्स ही नहीं आ रहा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। उसी तरह से डी पॉइंट पे देखोगे तो डी पॉइंट पे क्या हाल है, तो डी पॉइंट पे अगर देखोगे तो डी पॉइंट पे भी सेम स्टोरी भाई। जो डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे देखोगे इस लाइन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, इस लाइन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, जीरो। तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो बेसिकली अगर अच्छे से देखोगे केयरफुली, तो यहाँ नॉर्मल लग रहा है ऊपर और एम जी लग रही है नीचे, यही दो एक्सटर्नल फोर्स हैं। तो ये तो दोनों वर्टिकल में लग रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या है, नो स्लीपिंग। साइकिल स्लीप ही नहीं करनी चाहती है, तो अगर यहाँ पे साइकिल स्लीप नहीं करनी चाहती है, तो फ्रिक्शन एट द पॉइंट डी इज ऑल्सो जीरो। तो आई होप कि ये वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। रही बात सी की, तो चलो सी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को और ज़्यादा हम लोग फिर से बनाते हैं। तो यहाँ से सी पॉइंट की जो कहानी है थोड़ा इनसे बिल्कुल अलग है। तो सी पॉइंट का अगर देखोगे तो चलो एक बार मैं आपको सी पॉइंट की कहानी बताता हूँ। तो सी पॉइंट पर अगर देखोगे तो डायग्राम मिटा दिया मैं, यहाँ से ये वाली जो लाइन है डॉट डॉट डॉट, ये एंगल कितना है 90 है, तो ये भी क्या है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, तो ये एंगल कितना है, ये भी 45, तो ये कितना है 45, तो ये वाली भी कितनी होगी 45, क्योंकि ये 90 है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट, जो इस पॉइंट पे ये इस लाइन में जो ये वाली जो लाइन है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है, ये वाली जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ये लाइन, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है भाई। तो अगर ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पर और ये वाली लाइन है, एक लाइन यहाँ बना रहा हूँ, ये वाली लाइन यहाँ पे वर्टिकल वाली लाइन है प्यारे बच्चों, तो वर्टिकल वाली लाइन है, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आ रहा होगा वो इधर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, ये तो बात सबको समझ में आ रहा होगा, सी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। और वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होगी, तो एम जी तो गई नीचे ठीक है, और नॉर्मल गया इधर वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दो फोर्स एक्सटर्नल लग रहे हैं। अब ये अगर 45 है तो ये भी कितना है 45, तो अगर ये 45 है तो एम जी का दो कॉम्पोनेंट हो जाएगा, एक होगा एम जी का कॉम्पोनेंट इस लाइन में सेंटर की तरफ आएगा, दैट इज एम जी कॉस 45, ये वाली कॉम्पोनेंट, दिस कॉम्पोनेंट विल बी एम जी, और एक कॉम्पोनेंट एम जी का इस लाइन में आएगा जो कि होगा एम जी साइन 45 ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो किधर आएगा भाई, तो फ्रिक्शन होगा तो इधर इस लाइन में टेंजेंशियल इधर आएगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट एम जी साइन 45 के अपोजिट आएगा फ्रिक्शन ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एम जी इधर आएगी। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, एम जी साइन 45 के इक्वल होगी, बिकॉज कोई स्लिपिंग वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ से, तो एम जी साइन 45, एम 100 और ए 100, और साइन 45 1/√2, तो ये आ जाएगा 1000 अंडर रूट टू। तो जब यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो
तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना यहाँ कितना फ्रिक्शन आ जाता है, तो यह आ जाता है 707 न्यूटन। तो ये जो है यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन है एट द पॉइंट सी। तो फाइनली अगर बी पे देखोगे तो 0 आएगा, सी पे आएगा 707, डी पे अगेन 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन एट ऑल दीज पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अब इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं, ये दोनों पार्ट हो गए। पार्ट सी क्या है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉस द सी। तो जब साइकिल सी पॉइंट को क्रॉस करती है, जस्ट बिफोर और आफ्टर अगर देखोगे पार्ट सी ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर मतलब अगर साइकिल यहाँ है, ध्यान देना, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 है, तो यहाँ से ये वाली लाइन मैं मिलाऊंगा, यहाँ से मैं ये वाली लाइन अगर यहाँ से मिलाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। तो जस्ट बिफोर अगर देखोगे तो ये वाली लाइन ऐसा कुछ, ठीक है, ये, और यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये इस पॉइंट पर है साइकिल, ये इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल वाली लाइन आ जाएगी और ये इस पॉइंट पे वर्टिकल वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली वर्टिकल वाली लाइन आएगी। तो अगर ये वर्टिकल वाली लाइन आएगी तो कुछ ऐसे जो फोर्स लग रहा है, देखो अभी भी नॉर्मल तो इस लाइन में आएगा, नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऐसे जाएगा, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, और वेट एम जी अभी भी इधर ही आएगी, तो एम जी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। और जस्ट देखो ये एंगल बहुत ही छोटा, दिस इज स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो अगर ये अगर बहुत ही छोटा एंगल है तो अगर देखोगे ये पूरा लगभग लगभग अभी भी 90 होगा। तो अगर ये एंगल 90 होगा तो ये जो एंगल है अभी भी 45 डिग्री ही होगा, ये वाली चीज़ समझ रहे हो आपको, कि जस्ट सी के, ये सी पॉइंट है जस्ट इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन लगेगा दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, क्योंकि ये अभी भी लगभग 90 होगा, ठीक है, तो ये 90 होगा, तो यहाँ से इसको आगे मिलाओगे, ये ट्राइंगल अगर मिलाओगे तो ये अभी भी 45 लगभग होगा, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ये सारे 45 डिग्री होंगे, कौन कैसे होगा। तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट, ये जो एम जी ऐसे लग रही है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी कॉस 45, और ये आ जाएगा, ये इधर आएगा जो इसको आगे लाएगा एम जी साइन 45। तो अगर सेंट्रिपिटल का इक्वेशन लिखोगे तो जो सेंटर की तरफ आ रहा भाई, ये समझ रहे हो आप बात, सेंटर की तरफ इधर भाई, इधर सेंटर की तरफ आ रहा है, वो है एम जी कॉस 45 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी कॉस 45 और माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो जस्ट ये है जस्ट बिफोर सी, मतलब सी से जस्ट पहले की घटना है, जस्ट पहले से इंसिडेंट है, तो क्या हुआ होगा, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी एम जी, ये 100 और ये इसकी वैल्यू 10,000, कॉस 45 1/√2, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। तो फाइनली जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 707 और माइनस 25, तो ये आ जाएगा 682, तो 682 न्यूटन। तो जस्ट बिफोर सी जो है नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो 682 न्यूटन आ जाएगी। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट आफ्टर सी, तो सी के बाद, ठीक है, स्टोरी जस्ट आफ्टर आफ्टर सी, तो सी के बाद ये पॉइंट सी था, तो सी के बाद इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट सी है और ये जो पॉइंट है ये जस्ट आफ्टर सी, ये जो है यहाँ से ये वाला एंगल बहुत ही छोटा आ रहा है, तो लगभग अभी भी अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल इस पे ड्रा करोगे तो ये हॉरिजेंटल वाली लाइन है और ये लाइन प्यारे बच्चों वर्टिकल वाली लाइन है, ठीक है।
तो mg किधर जाएगी, तो mg अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पे इस लाइन में जाएगा, ये नॉर्मल जाएगा, तो ये एंगल लगभग लगभग 90 है, तो ये 45 है, तो ये 45 है, ठीक है, ये 45 है, तो अब mg का एक कंपोनेंट ये 45 है, तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा mg cos 45, और एक कंपोनेंट इस लाइन में टेंजेंशियल आएगा जो होगा mg sin 45, बराबर है, तो mg sin 45 और mg cos 45 ऐसे है, और ये पॉइंट C है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल का जो सेंटीपिटल का इक्वेशन बनेगा, सेंटीपिटल का इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा n माइनस mg cos 45 मस्ट बी प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mb स्क्वायर ओवर r, तो यहाँ पे जो नॉर्मल की वैल्यू बनेगी वो बनेगी mg cos 45 एंड प्लस mb स्क्वायर ओवर r, तो यहाँ से mg cos 45 1000 और √2 और प्लस 25, सेंटीपिटल की वैल्यू इसकी कितनी है 25, तो ये 707 प्लस 25 तो यह आ जाएगा 12 और ये 3 तो 732, तो ये 732 जो है इतना न्यूटन जस्ट बिफोर सी हम लोगों को मिल जाएगा नॉर्मल का वैल्यू। तो देख रहे हो जब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज द पार्ट सी। बहुत लंबा क्वेश्चन है तो हम पेशेंस के साथ करेंगे। अब पार्ट डी है, तो इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं, ये पार्ट डी है प्यारे बच्चों, तो इस वाले में क्या कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट डी, तो पार्ट डी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें म्यू मिनिमम चाहिए, जैसे कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलती रहे, कांस्टेंट स्पीड से मोशन होता रहे, और विदाउट स्कीडिंग, विदाउट स्कीडिंग मतलब भाई स्कीडिंग वगैरह ना हो, ठीक है, गाड़ी स्लिप नहीं करे हर पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो देखो इस पॉइंट पे तो फ्रिक्शन यार जीरो है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जीरो है, लगी नहीं रहा, तो इस पॉइंट पे स्कीडिंग, टॉप पॉइंट पे कोई चांस नहीं है, और इस पॉइंट पे यहाँ पर जो है, यहाँ पे फ्रिक्शन जब इधर आओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 700 कितना निकाले थे यहाँ पर बोलो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे वो 707 न्यूटन कैलकुलेट किए थे, तो ये जो है यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ये है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है वो ये यहाँ पर अवेलेबल फ्रिक्शन है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, तो अगर इसके आगे तो फ्रिक्शन कम ही है यार, ठीक है, तो इसके ये आगे और पीछे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है, तभी तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है, और यहाँ तो ये जो मैक्सिमम यहाँ पर अगर मैं सेटिस्फाई कर दूँ तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी यार, थोड़ा दिमाग लगाओ सोचो, तो ये सी पॉइंट है, तो जस्ट सी, सी के पहले, जस्ट हाँ यहाँ पे जस्ट बिफोर, बिफोर सी नॉर्मल की वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे कितना था, जस्ट बिफोर सी नॉर्मल की वैल्यू थी 682 न्यूटन, और तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा एफ वन इज इक्वल टू म्यू वन एन वन, तो म्यू वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फ्रिक्शन एफ वन इज इक्वल टू एन वन, वही फ्रिक्शन है 707 वाला और नॉर्मल 682, तो म्यू वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.036, ये वाला, ये क्या है, जस्ट बिफोर सी, तो जस्ट आफ्टर सी क्या कहानी है भाई, जस्ट आफ्टर सी क्या स्टोरी है, चलो देख लेते हैं, तो जस्ट आफ्टर सी, जस्ट आफ्टर सी, तो जस्ट आफ्टर सी अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हम लोग पहले ही कैलकुलेट किए थे, देखो यहाँ पे एन टू कितना आया था भाई नॉर्मल, देखो एक बार 732 था, तो ये, तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन की वैल्यू देखोगे एफ टू इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा म्यू टू एन टू, तो यहाँ पे म्यू टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 707 फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 732, तो ये जब म्यू टू डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0. देखो डिवाइड करो 0.965 आ जा रहा है, 0.965। अब देखो हम कितना म्यू मिनिमम रखें जिससे गाड़ी किसी भी पॉइंट पे स्कीड नहीं करे, ठीक है, अगर तुम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हो, ये सेलेक्ट कर लेते हो, तो
तो ये तो कम पड़ जाएगा ना यार, लेस पड़ जाएगा। जब यहाँ गाड़ी होगी तो इस पॉइंट पे तो क्या है, जस्ट बिफोर सी स्किड हो जाएगी। लेकिन अगर ये सेलेक्ट करते हो तो ये सेलेक्ट करोगे तो बड़े आराम से सी पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके आगे भी और इसके और आगे भी, ठीक है। मतलब जस्ट आफ्टर सी और सी पर भी, मतलब म्यू का जो मिनिमम वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे स्कीडिंग के लिए, तो आपको म्यू मिनिमम कितना लेना पड़ेगा, तो 1.036 लोगे तो किसी भी पॉइंट पे स्कीडिंग है, नो स्कीडिंग एट एनी पॉइंट, एट एनी एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे स्कीडिंग पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, लंबा प्रॉब्लम था, लेंदी था, तो आपको सोचना है, समझना है बेहतर तरीके से। और ये थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मोटिवेटेड रहो प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।